मंदिर में जाने से कभी भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो, 1400 से लेके 1500वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में भी धर्म के प्रति जो आडंबर था वो चरम पे था। फिर वहाँ प्लेग की बीमारी हुई और ये बताया गया कि ये बीमारी ईश्वरी प्रकोप है, और आधा यूरोप उस समय प्लेग की बीमारी से ग्रसित हो गया था और तकरीबन उसमें से एक तिहाई जनता मर गई थी। फिर इन लोगों ने उसका कारण जानना शुरू किया तो पता चला कि वो चूहे से बीमारी फैली थी। फिर उसके बैक्टीरिया खोजे गए और वो दिन है और आज का दिन है कि यूरोप के लोग अब सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं, और अब देखो तकनीकी में वो हमसे बहुत आगे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे बहुत आगे है। और अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी विज्ञान में जितने भी शोध हुए हैं, उनमें से 98% जो संशोधन है, जो नए नए इन्वेंशन हुए हैं, वो या तो यहूदियों ने किए हैं या ईसाइयों ने किए हैं। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ये दोनों धर्म ऐसे हैं जो धार्मिक आडंबरों को बहुत ज्यादा मानते हैं। इसमें सिर्फ 2% योगदान रहा है। क्या उससे गरीब को रोटी मिलेगी? क्या उससे युवा को रोजगार मिलेगा? क्या उससे महिला की सुरक्षा की सुनिश्चित होगी? अभी की खबर है, कल की खबर मैं देख रहा हूँ, एक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर रेप का आरोप लगा है। यही गाजियाबाद नोएडा की घटना है, पुलिस दुराचार कर रही है, एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, गाजियाबाद की घटना है, पुलिस कह रही है साहब वो घटना फर्जी है। तो यहाँ तो शासन प्रशासन जो है वो करप्शन में लिप्त है, भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहा है, आरोपियों का साथ दे रहा है। आप किस रामराज की बात कर रहे हैं? क्या रामराज में यही लिखा था कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित ना रहे, युवा बेरोजगार हो जाए, किसान दरबेदर भटकने लगे और शासन प्रशासन के लोग, सत्ताधारी लोग, पुलिस के लोग और जो सरकारी ऑफिसर हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे? अगर ऐसे रामराज की परिकल्पना की है भारतीय जनता पार्टी ने तो निश्चित तौर पे ये लोग उसमें सफल हो रहे हैं। हाँ, आम आदमी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे इस समय अंधेर नगरी चौपट राज है। तो मोदी जी की बातों पे मत जाइए, अपनी समझ से काम कीजिए। जो पार्टी पिछले 9 साल, तकरीबन 9 साल होने जा रहे हैं, 9 साल में जिस पार्टी ने युवाओं को सिर्फ हताशा, निराशा और लज्जा दी हो, शर्म दी हो, वो पार्टी युवाओं के लिए नहीं सोच सकती। मोदी जी अभी 2 महीने पहले एक भाषण में 1.5 लाख नौकरियां दे रहे थे, अब वो 75,000 पे आ गए। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में उनके भाषण में वो 10 लाख रोजगार दे रहे थे। थोड़ा और पीछे चले, 2014 के चुनाव से पहले वो हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। तो मोदी जी जैसे एक आदमी क्या है ना, बढ़ते हुए क्रम में चलता है, तो मोदी जी घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो मोदी जी का जो ये सिस्टम है, झूठ बोलने का सिस्टम, वो जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। अभी पिछले एक जगह एक रैली में मोदी जी के जो बयान है, वो बयान ये आया था कि साहब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी साथ में बैठ के चर्चा करते थे। तो ये भी बड़ा हास्यास्पद बयान रहा है। मेला तो इनका आपने देख लिया, किसानों ने भी मेला लगाया था इनके लिए, तो मेलाओं की तो आप छोड़ दीजिए। ये हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, सबको सड़क पे लाने का इनका पूरा स्ट्रेटजी बनी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सारी देश की संपदा है, सारे देश के जो साधन हैं, सारे देश के जो संसाधन हैं, इन सारे साधनों संसाधनों को अपने जो 2-3 व्यापारी दोस्त हैं उनके पास वहाँ पहुँचा रहे हैं, और देश की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। अब आप देख लीजिए, धीरे धीरे जो आम आदमी है उसके ऊपर टैक्स का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि आम आदमी की जो आय है, आय दिन पे दिन गिर रही है। और साथ ही आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम 107वें पायदान पे आ चुके हैं, और जो अर्थव्यवस्था है देश की, अर्थव्यवस्था का भी जो संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। व्यापारी मित्र जो मोदी जी के मित्र हैं, वो आए दिन कोई ना कोई घोटाला कर रहे हैं, और घोटाला करके देश की संपदा को लेके चंपत होते जा रहे हैं, और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जुमले दे रहे हैं, मोदी जी युवाओं को जुमले दे रहे हैं। अब ये बताइए साहब, जो अग्निवीर योजना ये लाए थे, हालांकि वो अब पुरानी चर्चा हो गई है, तो क्या वो युवाओं के लिए हितकर थी?
अब जो इस तरीके की जो और भी कई शॉर्ट टर्म नौकरियां ला रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जिस निकाय में लोग रिटायर हुए हैं, उनको ये ठेके पर रखेंगे, लेकिन युवाओं के लिए इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। गुजरात में एक जगह भाषण में ये कह रहे थे कि जो शिक्षक रिटायर हो गए हैं, अब हम उनको संविदा पे नौकरी देंगे, लेकिन तमाम सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इनमें तमाम शिक्षकों के पद खाली है, वहाँ ये भर्तियाँ करने को तैयार नहीं है। DU में प्रोफेसर आए दिन धरना दे रहे हैं, वहाँ सैकड़ों हजारों पद खाली है। अभी RTI के जरिए खुलासा हुआ है कि SC ST OBC के लिए जो आरक्षित पद हैं, तकरीबन 45,000 जो शिक्षकों के पद, सिर्फ शिक्षकों के, और शिक्षक कौन से हैं, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इन 45,000 पदों को इन्होंने उसमें SC ST और जो OBC के जो पद थे इन पे कट लगा के वहाँ पे जनरल कैंडिडेट को भर्ती कर दिया है, सवर्ण कैंडिडेट को भर्ती कर दिया है। ये साफ तौर पे जो बहुजन है, बहुजनों क्या हक मारने का काम कर रहे हैं मोदी जी। बड़ी बड़ी सभाओं में जाके रैलियां कर देते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में जाके भाषण दे देते हैं। किसानों का एक कॉन्क्लेव हुआ था पूसा रोड पे 3 दिन पहले, उसका वीडियो मेरे पास है, आप बताओ तो वो वीडियो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। उसमें ये किसानों के लिए 1,500 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे थे और उधर से किसान सीटें छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। अब इनकी बातों को कोई सुनना नहीं चाहता, ये ठेके पे, भाड़े पे, जैसे अगर दिल्ली में प्रोग्राम होगा तो उसके लिए BJP शासित राज्य मध्य प्रदेश से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, अगर गुजरात में रैली हो रही है तो आसपास के जो राज्य हैं वहां से कार्यकर्ताओं को बुला के भीड़ जुटाई जाती है। मोदी जी की रैली में आम जनता नहीं पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम इस समय क्या होना चाहिए, देश में सत्ता में कौन है, भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी का काम ये होना चाहिए कि आप युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम करें। आपको कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों है, कांग्रेस जुड़े या ना जुड़े, आप कांग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए। और जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो BJP के प्रवक्ता हैं, जो BJP के नेता हैं, झूठी खबरें और झूठी अफवाहें फैलाना छोड़ दीजिए। जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो फेक न्यूज़ चलाना छोड़ दीजिए। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है, पहले भी काम कर रही थी, लेकिन मीडिया ने कभी भी कांग्रेस का जो जेन्युइन काम है वो नहीं दिखाया। इस वजह से अब कांग्रेस पार्टी ने, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम डायरेक्ट जनता से जाके संवाद करेंगे। अब जनता से हम संवाद कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, ये तो संवैधानिक अधिकार है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता से बात कर सकती है। 4-4 कैमरे भी जा रहे हैं, फोटो भी खिंच रही है, क्योंकि इधर राहुल जी मंदिरों में जा रहे हैं। मोदी जी हो भाई, देखो मोदी जी के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है कि मोदी जी कैमरा जी भी है। अब वही फोटो, अब राहुल गांधी जी के फोटो वायरल हो रहे हैं, जगह जगह वो मंदिरों में गए और धार्मिक स्थलों में गए, तो उनके जो फोटो वायरल हुए हैं तो उनसे मोदी जी को कहीं ना कहीं खिसियाट हो रही। मोदी जी तो एक बार आपको ध्यान है केदारनाथ व बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, वो फोटो भी वहां पे वो खींचने पहुंच गए थे कैमरामैन, और वो खुली आंख से तपस्या कर रहे थे, वो फोटो भी 19 के चुनाव से पहले वायरल हुआ था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। मोदी जी का पूरा जो इंटेंशन है, पूरा का पूरा जो ध्यान है, वो सिर्फ और सिर्फ फोटो पे रहता है। तो ये कोई दो राय नहीं है, जो इन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा की है, इसमें 3-3, 4-4 कैमरे से अलग अलग पोजीशन से उनके फोटो और वीडियो बन रहे थे। निश्चित तौर पे पुजारी का तो अपमान हो ही रहा है भाई, पूजा करने के स्थल पे वहाँ पे तो इस तरीके से फोटो सेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, और राजा हमारा ऐसा है जो करे वो सही। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी की है कि जो हेट स्पीचेस का मामला आ रहा है तो उस पे सरकार है सख्त रवैया अपनाए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ हर धर्म का आदर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर धर्म का आदमी हजारों साल से रह रहा है। तो हिंदू धर्म की जो कल्पना कर रहे हैं जो लोग, तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं कह रहा हूँ जी सबसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ जो मुस्लिम धर्म के भी जो लोग हैं इस तरीके से जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो मीम पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हिंदू धर्म की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। जो भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, इन लोगों के ऊपर सरकार बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त टिप्पणी कार्रवाई करने का काम करे। हालांकि बीजेपी से
ये उम्मीद बहुत ही बेमानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष के ऊपर लांछन तो लगा सकती है, लेकिन इन्हें इनके नेता नहीं दिखते हैं, इनके सांसद नहीं दिखते हैं, प्रवेश वर्मा इनको नहीं दिखते हैं, कपिल मिश्रा इनको नहीं दिखते, अनुराग ठाकुर इनको नहीं दिखते हैं, साध्वी प्रज्ञा इनको नहीं दिखती, चिन्मयानंद इनको नहीं दिखते हैं, और तमाम लिस्ट है, लिस्ट अगर हम निकालेंगे तो दिन कम पड़ जाएगा। इतने दुराचारी, अत्याचारी और व्यभिचारियों की पार्टी है। पिछले 9 साल में तकरीबन देश की जनता समझ चुकी है कि आरएसएस द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी चलाई जा रही है। जो चाबी का जो रिमोट है वो आरएसएस के पास है। तो आरएसएस की तरफ से ये ऐलान आता है, ये फतवा जारी होता है कि आप साहब मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दो और हम जाके मुसलमान के जो धर्म गुरु हैं उनसे जाके चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि नहीं साहब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक बाप है, उनकी 2 बिगड़ी संतानें हैं, तो बाप पीछे कहीं ना कहीं से उन बिगड़ी हुई संतानों को सहारा देता है। तो इसी तरीके से आरएसएस बीजेपी जो संस्कारी लोग संस्कारी है ना, अपने व्यापारी मित्रों को पोषित करने में संस्कारी है, अपने नेताओं को बचाने में संस्कारी है, कुलदीप सेंगर को बचा दिया, चिन्मयानंद को बचा दिया, टैनी का लड़का बाहर है अभी, और जो उत्तराखंड में जो एक बीजेपी के नेता के लड़के के ऊपर केस हुआ था वो भी अभी बाहर है, उसके ऊपर भी केस दर्ज नहीं हुआ, प्रवेश वर्मा बाहर है। जब चुनाव आने वाले होते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही, चुनाव आने से पहले राम रहीम पैरोल पे आ जाते हैं, चुनाव के बाद फिर वो अंदर चले जाते हैं, वोट दिलवाते क्या बीजेपी को? बिल्कुल, ये रिश्ता कुछ ना कुछ कहलाता है। जो इस तरह के ऐसे पाखंडी लोग हैं ये बीजेपी द्वारा ही स्पॉन्सर किए जा रहे हैं।